नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। हम लोग कैंडल स्टिक्स के डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट एनालाइज करके उसका प्रयोग भी देखेंगे। और हम लोग इस वीडियो में कोई भी रटने वाला चीज़ नहीं सीखेंगे, ना मॉर्निंग स्टार, ना शूटिंग स्टार, ना मोरोबर्जी, ना कुछ। बहुत सिंपल और क्रिस्प लैंग्वेज में हम लोग सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला बात, कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता क्या है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न हम लोग को बताता है दोस्तों कि प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है। हम लोग शेयर मार्केट में जानते हैं दोस्तों कि प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी प्राइस नीचे आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक टसल चलते रहता है। अगर बायर्स एक्टिव होंगे तो प्राइस को अपवर्ड मूव करवाएंगे, अगर सेलर एक्टिव होंगे तो प्राइस को डाउनवर्ड मूव कराएंगे। तो इतना तक क्लियर है। और फिर हम लोग कैंडल स्टिक्स का कलर के बारे में बात करते हैं। दो टाइप का कैंडल स्टिक्स का कलर होता है जनरली, पहला एक ग्रीन कलर का होता है और दूसरा रेड कलर का होता है। इतना तक क्लियर है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइस का मूवमेंट होता है जब ग्रीन कैंडल बनता है। तो ग्रीन कैंडल बनता है तो मान लीजिए प्राइस यहाँ से शुरू होता है और प्राइस को मान लीजिए सेलर्स पुश करते हैं और नीचे लाते हैं, लेकिन फिर से बायर एक्टिव होते हैं और फिर से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और फिर कहाँ जाके क्लोज करते हैं दोस्तों, क्लोज भी यहाँ तक आता है, क्लोज होता है, लेकिन प्राइस को उससे पहले और ऊपर तक ले जाता है बायर्स, लेकिन वहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं और फिर से नीचे आ जाता है। तो यही आपको कैंडल स्टिक्स बता रहा है कि प्राइस यहाँ तो शुरू हुआ लेकिन सेलर्स ने इसको यहाँ तक खींचा और यहाँ पे बंद हुआ लेकिन बायर्स ने यहाँ तक खींचा था, लेकिन फाइनली सेलर ने यहाँ पे मामला उसका सल्टा दिया। तो फाइनली यहाँ पे क्लोज होता है और प्राइस अपवर्ड में जाके क्लोज होता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन कैंडल बना है, प्राइस अप में जाके बंद हुआ है ओपनिंग प्राइस से, तो ग्रीन कैंडल बनता है। अब हम लोग रेड कैंडल का देखते हैं। प्राइस ऊपर में खुलता है और एक हाई बनाता है, लेकिन हाई बनाने के बाद क्या होता है, फिर से सेलर्स इसको नीचे धक्का देते हैं और फिर से नीचे ले आते हैं, फिर से जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आ जाता है प्राइस और फिर और नीचे धक्का दे करके यहां पे आके क्लोज होता है, लेकिन क्लोज होने से पहले और प्राइस को नीचे लाते हैं, लेकिन फाइनली बायर्स इसको थोड़ा सा ऊपर ला के यहाँ पे क्लोज करवाते हैं। तो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है तो रेड कैंडल बनता है। इतना तक क्लियर है। और बीच वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको बॉडी बोलते हैं, जहां पर ऑफिशियली प्राइस ओपन और क्लोज होता है उसको बॉडी बोला जाता है, और हाई और लो जो हो गया उसको हम लोग शैडो बोलते हैं या विक्स भी बोलते हैं इसको। इतना तक क्लियर है। उसी तरह रेट का भी होता है, तो बीच वाला बॉडी बोलेंगे और ऊपर वाला शैडो या विक्स बोलेंगे। इतना तक क्लियर है। अभी तक हमने कैंडल स्टिक्स का वर्किंग देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो पहले टाइप का हम लोग पैटर्न का नाम रखे हैं एलिफेंट कैंडल। ऐसे आप लोग बुक या किसी भी यूट्यूब अदर वीडियोस में देखिएगा तो एलिफेंट कैंडल के नाम से नहीं जाना जाएगा। इसका असली नाम होता है मैराबुजो कैंडल, लेकिन इतना हार्ड लैंग्वेज हम लोग याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप लोग एलिफेंट कैंडल के नाम से इसको याद रखिए। और ये एक बड़ा सा कैंडल होता है, इसका विक्स बहुत छोटा या न के बराबर होता है, तो ग्रीन कलर में भी हो सकता है और रेड कलर में भी हो सकता है। जनरली अगर 80% भी अगर बॉडी है और विक्स छोटा है तो इसको भी हम लोग एलिफेंट ही बोलेंगे। अभी हम लोग चार्ट पे लास्ट में हम लोग देखेंगे एलिफेंट कैंडल बहुत ही पावरफुल होता है। अगर कहीं पर मान लीजिए एलिफेंट बनता है तो इसके बाद दो तीन कैंडल ऊपर फॉलो अप कर सकता है, अगर ग्रीन कैंडल बना हो तो, अगर रेड बना हो तो दो तीन कैंडल रेड इसको फॉलो अप कर सकता है। तो इसलिए बहुत पावरफुल होता है एलिफेंट कैंडल। और हम लोग को अगर मान लीजिए 80% टाइम में यहाँ तक बन चुका है, मान लीजिए 2-3 बजे तक ऐसा आपको कैंडल बनना प्रतीत हो रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। अभी हम लोग चार्ट पर देखेंगे तो आप लोग को और समझ में आएगा। सेकेंड टाइप का जो कैंडल है दोस्तों वो हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल इसको। इस टाइप के कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं या सिंपली इसको हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं। जो याद रखना है वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें बॉडी छोटा होना चाहिए और टेल बड़ा होना चाहिए या विक्स नीचे की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि बायर्स ने इसको पुश करते करते यहाँ पे क्लोज किया। और इसमें भी हम लोग, इसमें दोनों प्रकार का कलर होता है, ग्रीन वाला भी बुलिसी है ऊपर ही मतलब प्राइस को ले जाएगा और रेड वाला भी बुलिसी आपको दिखा रहा है। रेड बॉडी से मतलब नहीं है,
टेल से मतलब है, टेल बड़ा सा है और ऊपर में बॉडी है, हैमर की तरह आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर लिया, मतलब बायर्स इसमें ज़्यादा एक्टिव हैं। इतना तक हम लोग को क्लियर है। तो ये हैमर कैंडल बुलिश सिग्नल हम लोग को देता है, या बुलिश कैंडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और एक और प्रकार का कैंडल भी होगा, ऐसे डोजी टाइप का भी बना रहेगा जिसमें विक्स नीचे छोटा रहेगा और इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। तो इसको भी हम लोग बुलिश के ही सिग्नल में लेंगे, डोजी याद करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में ऐसे हम लोग डोजी भी देख लेंगे। तो ये भी एक प्रकार का बुलिश ही कैंडल है। बस इतना कैंडल हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग बीरिस कैंडल देखते हैं। अब अगला टाइप का कैंडल जो बनता है दोस्तों, वो है बीरिस कैंडल। मतलब इसमें होता है कि सेलर्स एक्टिव है। बुलिश कैंडल में बायर्स एक्टिव होते थे और इसमें बेरिस कैंडल में सेलर्स एक्टिव होंगे। मतलब यहां तक हाई बनाया प्राइस ने और इसको यहां से सेल करते करते अंत में यहां पे सेलर्स ने क्लोज करवाया। उसी तरह इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि बायर्स ऊपर तक ले गए लेकिन फाइनली सेलर्स विन करते हैं और यहां पे लाके क्लोज करते हैं। तो हम लोग को टेल ऊपर में बड़ा दिखता है और बॉडी बहुत ही छोटा दिखता है। इस कारण से इसको हम लोग बेरिस कैंडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेलर्स ज्यादा देर तक हावी है। तो ये हम लोग को सिग्नल देता है कि प्राइस अब नीचे आने वाला है, और हम लोग को बुलिश कैंडल बताता था कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, और बेरिस कैंडल हम लोग को बताता है कि प्राइस नीचे आने वाला है। इसका एक और आप लोग नाम याद रख सकते हैं, इसको रिजेक्शन कैंडल भी हम लोग बोलते हैं। रिजेक्शन कैंडल मतलब यहां तक हाई बनाया लेकिन रिजेक्शन उसको मिला। मान लीजिए कोई यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिला, जैसे हम लोग अभी चार्ट पे देखेंगे तो पता चल जाएगा, कोई पिवट पे टकराया और यहां से इसको रेजिस्टेंस मिलता है तो प्राइस को नीचे आना पड़ता है। इस कारण से इसको हम लोग रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं। तो इसमें कोई कलर मैटर नहीं करता है, इसमें भी रिजेक्शन कैंडल में भी हम लोग को ग्रीन और रेड भी रहेगा, दोनों रिजेक्शन ही है। ऐसा नहीं कि आप ग्रीन देखिएगा तो बोलिएगा बुलिश है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेलर्स हावी हैं, सेलर्स इसको ज़्यादा देर तक नीचे पुश किए हैं। और हम लोग एक और बात जान लेते हैं कि इन्वर्टेड जो डोजी भी होता है, जैसे डोजी का मतलब होता है कि इसमें बॉडी एकदम नहीं होगा, ये भी कैंडल हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें टेल ऊपर की तरफ बढ़ा है, मतलब सेलर्स ने इसको नीचे लाया है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, रिजेक्शन कैंडल के श्रेणी में आता है। इसको भी हम लोग रिजेक्शन कैंडल ही बोलेंगे, मतलब सेलर्स एक्टिव हैं। इतना तक क्लियर है। अब फाइनली जो कैंडल है दोस्तों, वो इंडिसीजन कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं, या डोजी कैंडल भी हम लोग बोलते हैं। मतलब इसमें ना बायर्स जीतता है ना सेलर्स जीतता है, दोनों इक्वल पोजीशंस पे हैं। इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बॉडी भी मतलब लगभग एकदम नेग्लिजिबल है और दोनों ऊपर वाला विक्स भी बराबर है। अगर जिधर भी ऊपर वाला विक्स मान लीजिए ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो समझिए सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। अगर ऊपर वाला विक्स ज्यादा होगा तो सेलर्स एक्टिव हैं। अगर मान लीजिए नीचे वाला विक्स ज्यादा लंबा है और ऊपर वाला छोटा है तो समझिए कि बायर्स एक्टिव हैं। इतना तक हम लोग को क्लियर है। तो अब हम लोग चलेंगे चार्ट पे। बस इतना ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न का हम लोग को याद करने का जरूरत है, और हम लोग बहुत सारे वीडियो में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार वो सब कोई याद करने का जरूरत नहीं है, बस चार्ट पे चलिए और देखते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने जिरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर रिलायंस को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हम लोग पहले भी चार्ट हम लोग देखते थे, तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा हम लोग पिवट लाइन लगाते हैं। पिवट लाइन बेसिकली हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट प्राइस करता है तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तो इतना तक क्लियर है। और 200 डेज का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पहचानेंगे। तो पहला हम लोग एलिफेंट कैंडल का देखते हैं। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कैंडल बनने का। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग जनरली बाई करना पसंद करते हैं 200 डेज के करीब में, या हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे में। ये दोनों कंडीशन में हम लोग बाई करना पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा दूर चला जाए तो हम लोग कुछ सेल करना पसंद करते हैं। तो अब हम लोग देखिएगा कि कहां पे हम लोग को कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला यहां पे आपको दिख रहा होगा 200 डेज का मूविंग एवरेज ये है, और हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। इसी को हम लोग नाम दिए हैं एलिफेंट कैंडल,
एलिफेंट कैंडल हम लोग नाम दिए हैं दोस्तों, और 200 डेज को ये क्रैश करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। जैसे ही ये 80% बन जाएगा, मान लीजिए 2:15 बजे तक हम लोग वेट करेंगे, तो इसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तो देखिए यहाँ तक का हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये हुआ एलिफेंट कैंडल रेड का। अब देखिएगा ग्रीन, सॉरी ये हुआ आपका ग्रीन का, ग्रीन एलिफेंट कैंडल। अब हम लोग रेड एलिफेंट कैंडल का बात करते हैं। एलिफेंट कैंडल आप लोग देखे ही होंगे, अगल बगल का छोटा सा मतलब कैंडल से बहुत बड़ा होता है जनरली। और हम लोग अब रेड का एलिफेंट कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और एक बड़ा सा एलिफेंट कैंडल यहाँ पर बनाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट किया जाता है या सेल किया जाता है। जैसे ही 80% कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कीजिए और 200 डेज के मूविंग एवरेज तक अपना टारगेट ले सकते हैं। ये हुआ हम लोग का एलिफेंट कैंडल का। अब हम लोग थोड़ा बुलिश कैंडल और हैमर कैंडल ये सब देख लेते हैं। तो चार्ट पे हम लोग को कहीं हैमर कैंडल दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कहीं भी बनेगा हैमर तो कोई फायदा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये कैंडल होता है हैमर कैंडल, अभी अब बात किए थे, मतलब छोटा बॉडी होना चाहिए और बड़ा सा विक होना चाहिए या टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे बनता है और इस 20 के लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग यहाँ पे और भी बाई करना क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। और यही हम लोग देखेंगे। और रिजेक्शन कैंडल भी देखिएगा, जो रिजेक्शन कैंडल का बात किए, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलता है और प्राइस यहाँ से नीचे आता है, और 20 क्योंकि बुलिश मोमेंटम था इसलिए 20 के मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो हर प्रकार का कैंडल स्टिक्स पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि उसका लोकेशन बनना चाहिए किसी खास जगह पे। जैसे रिजेक्शन कैंडल हम लोग को कहाँ बना है, यहाँ पे देखिएगा रिजेक्शन कैंडल एक दिखता है, और ये रिजेक्शन कैंडल आपको है जो ग्रीन का कैंडल आपको दिख रहा होगा, और उसका टेल ऊपर में बड़ा है, इसका मतलब ये रिजेक्शन कैंडल है। अब हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए, इसको रिजेक्शन मिला है मतलब प्राइस नीचे आ सकता है, तो उसके बाद प्राइस फॉल करता है। और देखिएगा यहाँ पर फिर से आपको एलिफेंट कैंडल दिखता है, और फिर से यहाँ पे प्राइस 2-3 कैंडल उसका फॉलो अप कर देता है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे भी देखिएगा एलिफेंट कैंडल बनता है और उसके बाद फॉलो अप हम लोग को देखने को मिलता है। और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो हम लोग को कोई बाई इनिशिएट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी एलिफेंट एक हमको दिखा, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे हम लोग बाई इनिशिएट करेंगे भी तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और हम लोग बहुत सारा चार्ट पे एनालाइज कर सकते हैं ऐसा एलिफेंट कैंडल, और हम लोग देख सकते हैं। तो इतना तक हम लोग क्लियर है दोस्तों, और अब भी आप लोग जाके चार्ट पे एनालाइज कीजिए और ये सब कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आप लोग लगा कर देखिए। हम तो रिलायंस का यहाँ तक किए, और आप हर चार्ट पे जाके लगा सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि हम लोग को ज़्यादा याद नहीं करना है, बस चार प्रकार का कैंडल स्टिक्स पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।